शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज के लिए खूब तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। पठान के बाद इस साल ये शाहरुख खान की दूसरी बड़ी फिल्म है जो सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए बेसब्री से तैयार बैठी है। जहां फिल्म की एडवांस बुकिंग सामने आ रही है, तो वही जवान की रिलीज से पहले ही पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान अपनी रिलीज के दिन 70 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। ये कलेक्शन सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो शाहरुख खान अपनी ही फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिसने पहले ही दिन 57 करोड़ की कमाई की थी। बता दें कि अपने फिल्म की सक्सेस के लिए शाहरुख खान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रमोशन से लेकर भगवान तक की शरण में जा रहे हैं। पहले वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे, अब वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे हैं, जहां उन्होंने श्री वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, उनके साथ शाहरुख खान की बेटी सुहाना और जवान की एक्ट्रेस नयनतारा भी मौजूद रही। एक तरफ जहां जवान का बोलबाला है, वही दूसरी तरफ गदर 2 भी शांत नहीं बैठी है। दरअसल सनी देओल इस वक्त कामयाबी के 7वें आसमान पर है। उनकी फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की OMG 2 से टकराने वाली ये फिल्म हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 सबसे तेजी से 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ ही फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में 50 करोड़, 4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शाहरुख खान, सनी देओल इस वक्त सुर्खियों में हैं, तो भला अक्षय कुमार पीछे कैसे हट सकते हैं? दरअसल साल 2013 में अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 आई थी। फैंस काफी वक्त से इस फिल्म के सीक्वल की मांग कर रहे थे। हालांकि फिलहाल इसके दूसरे पार्ट को लेकर किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस बीच हाल ही में एक मीडिया बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने इसके सीक्वल का संदेश दिया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि अनुपम खेर के इस इशारे का कितना सही साबित होता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ऊपर जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे।